अपने बाप दादाओं की पुश्तैनी जमीन और खेती छोड़कर शहरों में नौकरी की तलाश में जाने वाले युवाओं की कहानी तो हम रोज पढ़ते और सुनते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसमें छत्तीसगढ़ के कवर्धा से एक युवक निकलता है, दिल्ली जाता है और वहां दिल्ली जैसे महानगर में कई बड़े कॉरपोरेट मीडिया हाउसेज में 10 साल काम करने के बाद वापस आता है और ये युवा जिसके घर में जिसके बाप दादाओं ने कभी खेती नहीं की थी वो यहाँ आकर अपना सब कुछ वहाँ बेचकर समेटकर बड़े निवेश से यहाँ कवर्धा में खेती शुरू करता है। देश की राजधानी में पत्रकारिता करने के बाद छत्तीसगढ़ के इन खेतों में काम करने के लिए खुद को तैयार करना कितना कठिन काम हो सकता है इसका बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। उस पर अगर खेती का न कोई अनुभव हो न ही अपनी जमीन, लेकिन इसके बावजूद पत्रकार आशुतोष गुप्ता ने खुद को इस काम के लिए तैयार किया। आशुतोष अब पत्रकार से आधुनिक किसान बन चुके हैं, पूरी योजना के साथ पत्रकारिता का साथ छोड़ा और खेती से हाथ मिला लिया। आशुतोष ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन जब खेती का इरादा बनाया तो IIM कलकत्ता से फाइनेंस में एक शॉर्ट टर्म कोर्स भी किया, अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली, लेकिन जब खेती करने आए तो सबसे ज्यादा ताने अपने घर रिश्तेदारों से ही सुनने को मिले। मैं भी इनको बहुत सारी बातें निगेटिव बात करना चालू कर दिया था, तो कभी कलम चलाने वाला कभी हल नहीं चला पाएगा। हमने इसने किसी प्रकार के सहयोग नहीं किए, सब पूरा अपने हाथ से किया इसने। लेकिन सबके बाद बात वही कि जहां चाह वहां राह, और आशुतोष की चाह इतनी ज्यादा थी कि उसकी राह लगातार आसान होती गई। आशुतोष की चाह परवान चढ़ी दोस्तों की आर्थिक मदद और अपने खुद के NCR के एक घर को बेचने से मिली रकम से। जो कमी रह गई वो कर्ज मिल गया। 35 लाख रुपए में मैं जमीन खरीदी, लेकिन सब्जी की खेती के लिए इसको हमें अपने ढंग से बनाना था, जो कि जो खरीदा था जो हमने वो वैसा नहीं था जो इसमें हम सब्जी की खेती कर सके। उसके बाद इसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज करना पड़ा, चारों तरफ फेंसिंग की, 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट उसमें आया, बोर कराया, एक मकान बनवाया और फिर पूरे ड्रिप सिस्टम, जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है उसमें करीब 2.5 से 3 लाख रुपए की खर्च आ गए। तो यदि ओवरऑल कॉस्ट के जमीन प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर की देखी जाए तो वो करीब करीब 50 लाख के आसपास उसमें आ गया। इसके अलावे हमको खेती के लिए जो ऑपरेशनल हमारे जो एक्सपेंसेस थे, जो रोजमर्रा की हमारी ज़रूरतें थी, उसको करने के लिए हमको 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए प्रति एकड़ हमको लागत आई। थोड़ी सी लागत इसलिए भी ज़्यादा रही मेरी क्योंकि मैं पहली बार खेती किया था, मुझे ज़्यादा अनुभव नहीं था, सब कुछ मेरे लिए नया था, तो ये थोड़ी लागत ज़्यादा हो गई। अपना सब कुछ दांव पर लगाकर खेती करने के पीछे आशुतोष के मन में शुरू में कहीं से भी गांव लौटने या समाज को देने जैसा कुछ नहीं था। मीडिया की नौकरी करते हुए आशुतोष को यह समझ में आ गया था कि इस नौकरी में अब खास तरक्की नहीं है, इसलिए अपने दोस्त के साथ मिलकर खेती का काम शुरू करने से पहले हर तरह की तसल्ली कर लेना जरूरी समझा। ये स्टेप लेने से पहले हमने बहुत सारे फार्म हाउस देखे हैं, वहाँ पे लोगों से मिले हैं, बातचीत की है, उसके बाद हमको ये समझ में आया कि नौकरी एक अपनी जगह अलग है, उसमें ग्रोथ ज़्यादा हम नहीं हो सकता, हम मेरा ये सोचना है कि हम ग्रोथ ज़्यादा नहीं कर सकते। खेती एक ऐसी जगह ऐसी चीज़ है जिसमें हम चाहे मन चाहे ग्रोथ कर सकते हैं, इतना तो स्कोप है खेती में। सारी जमा पूंजी खेतों में लगाने के बाद उस पूंजी से कमाई का जरिया अब आशुतोष को खोजना था, और कमाई करने के लिए खेती के नए क्षेत्र में गलतियां होनी भी तय थी, लेकिन हर गलती से सीखने की प्रवृत्ति मददगार साबित हुई। अब सीखने की प्रवृत्ति कह लीजिए या फिर सीख कर बेहतर करने की मजबूरी। मैंने जब खेती की शुरुआत करने की सोची तो मैंने ये सोचा कि रेगुलर इनकम होनी चाहिए, तो हमने रोलिंग के लिए सब्जी की खेती की, सब्जी में टमाटर और मिर्च की खेती, ताकि ये रोज हमें आमदनी दे। लेकिन किसी भी प्रकार का रिस्क होता है यदि ये फसल हमारी ख़राब हो जाती है, यार ओवरऑल हमको सालाना आमदनी चाहिए, तो इसके लिए हमने फल की खेती शुरू की। खेती की इसी रणनीति के तहत आशुतोष ने मिर्च और टमाटर की खेती में अपना जोर लगाया। खट्टे मीठे अनुभवों को समेटते हुए आशुतोष गुप्ता को किसानी का पहला सुख हासिल हुआ जब उन्होंने अपने खेतों में अपनी मेहनत से लगाए पौधों को फलों से लहलहाता देखा। तीखी मिर्च और खट्टे टमाटरों ने आधुनिक किसान बनने की चाह रखने वाले आशुतोष को पहला मीठा एहसास दिया।
जो हमारा टीपी था, टीपी मतलब ट्रांसप्लांटेशन, वो मैंने अक्टूबर में की थी, जिसकी वजह से इसका फसल जो इसकी मेरी आई वो जनवरी में आई। यदि उत्पादन के दृष्टिकोण से इसको देखा जाए तो उत्पादन तो मैंने बहुत अच्छा लिया है, करीब 40 से 45 टन अब तक का मैं उत्पादन केवल फरवरी और जनवरी के 15 दिन में मैंने ले लिया है। इस साल मिर्च के रेट ने शुरुआत में काफ़ी तकलीफ दिया, 11 रुपये लागत आती थी, 6 रुपये 8 रुपये में बिक रहा था, लेकिन उसके बावजूद मैंने इसका केयर करना बंद नहीं किया। जिसको प्रॉपरली इसको जितने भी खाद उर्वरक या दवाइयाँ जो भी लगती थी वो मैं देता रहा और पूरे साल पूरे धैर्य के साथ इसको मेंटेन करता रहा। इसका फ़ायदा मुझे अभी हो रहा है, अभी मिर्च मेरा 30 रुपये किलो बिक रहा है जो कि काफ़ी अच्छा रेट है और उसमें मुझे अच्छा मुनाफा अब होने लगा है। शानदार पैदावार होना और उस पैदावार की शानदार कीमत हासिल करना, ये दोनों ही दो अलग कलाएं हैं। किसान के तौर पर कठिन दोनों हैं, लेकिन अपने खेत से दूसरे के बाजार में ज्यादा तैयारी के साथ जाना जरूरी होता है। ये सब आशुतोष को तब समझ में आया जब उन्होंने स्थानीय बाजार में अपनी फसल बेचने की कोशिश की। जब हमारी फसल तैयार हो गई और फसल आने लगी मार्केट में, तो मैंने ये देखा कि लोकल मार्केट में यदि आप बेचते हैं तो आपको कमीशन भी देना पड़ता है जो कि 8% होता है, साथ में जो माल भाड़ा लगता है वो लगता है। तो इसको मैंने थोड़ी आमदनी बढ़ाने के लिए एक रास्ता चुना, मैंने बाहर के मार्केट पता किए। उसके लिए मैं एक एक बार सारी मार्केट में गया, जैसे जबलपुर हो गया, मंडला हो गया, कोरबा हो गया, वहाँ मैं गया और वहाँ के व्यापारियों से मैंने संपर्क किया, उनको बताया कि मेरे पास हर रोज़ाना इतना माल होता है, आप आइए और मैं आपको वो माल यहाँ से दूंगा। तो इससे मेरा फ़ायदा ये होता है कि यहाँ लोकल जो मंडी है वो उस रेट पे भी यदि हम बाहर मार्केट में हम देते हैं तो उससे हमारा 8% कमीशन और प्लस जो माल भाड़ा, तो ऐसे करके डेली हम 1,000-1,500 रुपये मैं ऐसे बचा लेता हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि यदि उसको मंथली मासिक तौर पे देखा जाए तो हमारे के 25,000-30,000 रुपये हमारे पैसे बच जाते हैं। तो मेरा मानना है कि किसी भी किसान को नए तरीके निकालने हों चाहिए कि आमदनी कैसे बढ़ाई जाए। यदि आपके प्लॉट से यानी आपके फॉर्म से यदि आपका माल उठ रहा है तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। भले ही खेती की चुनौतियाँ अपार हों, लेकिन धीरे धीरे अब कई पेंच सुलझने लगे हैं और इसके साथ खेती को लेकर आशुतोष का इरादा भी और मजबूत हुआ है। अब उन्हें गर्व है कि वो न केवल अपनी आजीविका चला पा रहे हैं बल्कि अपने इलाके के कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। इलाके में गन्ने की जबरदस्त खेती के अलावा लेबर की कमी से जूझते हुए उन्होंने एक नया प्रयोग भी किया। अब वे लेबर को दिहाड़ी के बजाय ठेके पर भुगतान करते हैं, जिसमें कोई भी लेबर अपनी सुविधा से कभी भी आकर अगर 1 किलो मिर्च तोड़ता है तो उसे 3 रुपए की मजदूरी मिल जाती है। सर यहाँ पे 10 लेबर रोजाना काम करते हैं सर, और 7-7.5 घंटे से काम करते हैं सर, और फिर उसके बाद उनको ना रोजाना का 150 रुपए का आमदनी है सर। खेती करना पहले भी कभी आसान नहीं था और अब भी नहीं है, लेकिन योजना बनाने से लेकर क्रियान्वयन करने तक खेती को कारोबार की तरह करने की ये कहानी एक ओर जहां भारतीय समाज के खेती के प्रति बदलते नजरिए का संकेत है, वहीं भारत में खेती के उज्जवल भविष्य का भी संदेश देती है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर।